को पार करना है तो देवों की कहानी सुनो, डर को समझना है तो देवरा की कहानी सुनो। देवरा फिल्म के ट्रेलर पार्ट वन के बाद आउट हो गया है पार्ट टू, जिसके बाद फिल्म का प्लॉट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। जूनियर एनटीआर, जानवी कपूर और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म देवरा को लेकर ऑडियंस के बीच में बज काफी हाई है। इस फिल्म में पहली बार साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। साथ ही एक बार फिर से सैफ अली खान को विलन के अवतार में देखा जाएगा। फिल्म 27 सितंबर को थिएटर्स में नॉक नॉक करेगी। ऐसे में फिल्म के रिलीज के 5 दिन पहले मेकर्स ने देवरा का दूसरा ट्रेलर जारी किया है, जिसमें बहुत कुछ खास देखने को मिला है। ऐसे में आइए बताते हैं कि देवरा के ट्रेलर में आखिर है क्या। धासु डायलॉग, शानदार फिल्मोग्राफी, अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस, ओ माय गॉड, मतलब कि फुल साउथ इंडियन मूवी मसाला फ्लेवर इस ट्रेलर में भर भर कर डाला गया है। सैफ अली खान और जूनियर एनटीआर के रोल्स को स्पेस मिला है, लेकिन ट्रेलर के दूसरे पार्ट में भी जानवी कपूर ना के बराबर है। समंदर पर राज करना है तो समंदर के अंदर जाना है। फिल्म का डायलॉग आपको समंदर के अंदर डीप डाइव कराता है, जहां पर दिखती है असली वाली लड़ाई। साथ ही इस ट्रेलर में जूनियर एनटीआर और सैफ अली खान एक दूसरे के आमने सामने हैं। यही नहीं, ट्रेलर की खास बात यह है कि उसमें हम जूनियर एनटीआर के जुड़वे किरदार को भी एक साथ देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेलर में कई एक्शन सीन्स भी है, जिसमें कभी समंदर के अंदर समुंदर के किनारे फाइट होती है, जिसकी वजह से समंदर का रंग पूरा लाल हो जाता है, और ये रंग लाल खून की वजह से होता है। उसके अलावा लाशों से भरी नाव और समंदर के अंदर कंकाल का ढेर इस ट्रेलर में जान डाल रहा है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का है, चाहे एक्शन सीक्वेंस के दौरान हो या फिर डांस सीक्वेंस के दौरान, आप इसे भरपूर इंजॉय करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खटकती है इसकी डबिंग, ओ माय गॉड। खास तौर पर जानवी कपूर के सीन के दौरान ऐसा लगता है जैसे कि टेक्नोलॉजी कई साल पीछे चली गई हो और लिप सिंक डायलॉग से आगे। वेल, इसका जो हाईलाइट है वो है नवाब सैफ अली खान। जूनियर एनटीआर और सैफ अली के फेस ऑफ में लगता है जानवी कपूर का रोल सिर्फ सुंदर हीरोइन का है, क्योंकि साउथ में डेब्यू कर रही जानवी पर भी उनकी फैंस की नजरें हैं। एक तरह से कहें तो साउथ इंडस्ट्री में काम करना जानवी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी मॉम और वेटरन एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी साउथ सिनेमा से अपनी करियर की शुरुआत की थी और वो कमाल की एक्ट्रेस रही। लेकिन जानवी का जो रोल है वो देवरा में पहले वाले ट्रेलर में भी काफ़ी स्क्रीन टाइम उनका कम था और दूसरे में भी कम है, तो फिल्म को लेकर जो उम्मीदें हैं थोड़ी वो फैंस की कम हो गई हैं। फिलहाल ट्रेलर पर वापस आते हैं। पैन इंडिया इस फिल्म का ट्रेलर हिंदी, तेलुगु, तमिल समेत कई सारी भाषाओं में रिलीज किया गया है। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा का डायरेक्शन कोरताला शिवा ने किया है। फिल्म में जूनियर एनटीआर के अलावा जानवी कपूर और सैफ अली खान लीड रोल्स। फिल्म के अधिकतर सीन्स हैं पानी के नीचे शूट किए गए हैं, जिस पर एनटीआर ने एक इंटरव्यू में बात भी की थी। उन्होंने बताया था कि कुछ सीन्स 30-38 दिनों तक अंडर वाटर शूट किए गए हैं। वेल, ये हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्म 27 सितंबर को बिग स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। वैसे देवरा फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि एक्साइटमेंट की वजह क्या है, सैफ अली खान, जानवी कपूर या फिर जूनियर एनटीआर। एंड एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएल बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।